Good morning, students. How are you? I hope you all are doing good and staying safe at home. I am Nishata from Saraswati Group of Education. And children, today we are going to start a new chapter. And this is session number one, or you can say part number one of the chapter. Right? So, can anybody tell me? Can you see what I am doing? I have something in my hand. 1, 2, 3. Yes, can you see? Yes, what is this? What is this? Yes, any idea? Yes, these are rupees. Right. So, can you guess what we are going to start today? Which new chapter we are going to start today? Any idea? Yes, today we are going to start chapter number 4 named Money. It is already written on the board, but I want to check whether you know or not. Okay, so today we are going to start a fresh chapter named Money. I know aap sabko bahut pata hoga ki mummy paise count karti hai, papa paise count karte hain, kaise paise form hote hain, kaise count karte hain. Dukan wale ke paas jaate to mummy bolti hai na, aapko 10 rupees de rahi hoon, dukan wala aapko 5 rupees wapas dega. To wo kyun 5 rupees wapas deta hai? Wo sari cheeze aapko pata hai kyun? Right? So those all things will be learned in this chapter, right? So that अब आप कभी भी कुछ चीज लेने जाओ तो आपको already पता होगा कि ये कौन सी नोट है, कितने रुपीज देने हैं शॉपकीपर को, वो आपको कितने रुपीज वापस देगा, because you will learn how to identify money in this chapter, right? So आज हम लोग money start कर रहे हैं और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नोट्स कैसे होती है, कॉइन्स कैसे होते हैं, कौन सी नोट्स होती है, कौन से कॉइन्स होते हैं, वो सारी चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं और हम लोग मनी का स्किप काउंटिंग भी सीखेंगे. सो बी रेडी, इट्स एन इंटरेस्टिंग चैप्टर विथ एन इंटरेस्टिंग लेक्चर, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, व्हेन मनी इज यूज्ड, व्हेन इट इज नीडेड, एनी आइडिया मनी का यूज कब होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक, यस, जब भी हम कोई चीज लेने जाते हैं तब हमको मनी का यूज होता है. कोई चीज हमको ऐसे फ्री में तो नहीं दे देता, हम लोग उसको मनी देते हैं तो भी हमारी फेवरेट चीज हमको मिलती है. सपोज आप मार्केट में टॉय लेने जाते हो तो आप बोलोगे शॉपकीपर को गिव मी अ टॉय, तो वो क्या बोलेगा, गिव मी रुपीज, पैसे दो तो मैं आपको टॉय दूंगा, राइट? सो मनी इज यूज टू बाय और सेल समथिंग, कुछ लेने के लिए या कुछ सेल करने के लिए मनी की जरूरत होती है, राइट? कोई भी चीज, आप वेजिटेबल्स लो, आप ग्रेन्स लो, ग्रोसरी लो, वाटर बैग लो, लंच बॉक्स लो, जो भी बुक्स भी लो, हर चीज के लिए मनी की रिक्वायरमेंट होती है. सो वी कैन से कि मनी हमारी लाइफ का एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है, बहुत ही एक जरूरी पार्ट है, बिकॉज मनी के बिना हमारा डेली रूटीन चल नहीं सकता, कि हर चीज में मनी इन्वॉल्व है, राइट? नाउ चिल्ड्रन, इसी के बेसिस पर मैं बताना चाहूंगी कि हमारे इंडिया में मनी करेंसी के फॉर्म में आता है और वो होती है नोट्स एंड कॉइन्स. किस टाइप में है हमारी इंडिया में? इन द फॉर्म ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स. ये दो चीज है जिससे मनी बनती है, राइट? कोई कोई देश में सिर्फ कॉइन्स भी चलते हैं, कोई कोई देश में नोट्स चलती है. इंडिया में नोट्स और कॉइन्स दोनों मिला के इंडिया की करेंसी बनती है. करेंसी क्या होता है? करेंसी मतलब जैसे अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग करेंसी होती है, वैसे इंडिया की करेंसी है रूपी. व्हाट इज द करेंसी ऑफ इंडिया? इंडियन करेंसी इज रूपी. रूपी कैसे लिखते हैं? लाइक दिस. वॉट यू विल डू, फर्स्ट आप ऐसे र करोगे लाइक यू डू इन गुजराती और हिंदी, एंड देन टू लाइन्स यहाँ पे ऊपर, स्लिपिंग लाइन्स, और यू कैन से हॉरिजॉन्टल लाइन्स, इसको रूपी बोलते हैं. ओके, तो ये कहाँ की करेंसी है? इंडियन करेंसी. ये इंडियन करेंसी है, ये इंडिया में ही चलती है. फिर आप अगर अमेरिका जाते हो, अफ्रीका जाते हो, तो वहां पे ये करेंसी
नहीं चलती। फिर आपको क्या करना पड़ता है, वहां की जो करेंसी चलती है उसके साथ आपको ये नोट्स एक्सचेंज करनी पड़ती है। दैट विल लर्न इन ग्रेड 3 or 4, राइट। सो दिस इज द बेसिक। इंडिया में करेंसी कौन सी चलती है? रुपीज। आप रुपीज दोगे तो ही आपको कोई चीजें मिलेगी। अमेरिका की करेंसी होती है डॉलर, तो अगर आप इंडिया में किसी को डॉलर दोगे तो वो वैलिड नहीं होगा। अब वो बोलेगा मेरे को रुपीज दो, अगर आपको ये चीज चाहिए तो आप मेरे को रुपीज दो, राइट। सो रुपीज इज द करेंसी ऑफ इंडिया। दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम, व्हाट इज द करेंसी इन इंडिया? रुपी, राइट। इसकी स्पेलिंग कैसे होती है? RUPEE। अगर रुपी है तो एक, रुपीज हुआ तो S, पीछे S, ओके। सो दिस इज रुपी। और ये किस फॉर्म में आती है? रुपी हमारे पास नोट्स और कॉइन्स दोनों के फॉर्म में आती है, राइट। सो दिस वॉज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट मनी, अबाउट रुपीज, अबाउट नोट्स, अबाउट कॉइन्स। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप इज, इंडिया में कौन सी नोट्स चलती है, कौन से कॉइन्स चलते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं बोलूंगी कि अभी जो करंट है वो 1 रुपी का कॉइन चलता है। सी कॉइन एंड नोट्स, तो अभी कौन सा कॉइन्स चलता है? 1 रुपी के चलते हैं, फिर 2 रुपी के कॉइन्स चलते हैं, फिर 5 रुपी के कॉइन्स चलते हैं और 10 रुपी का कॉइन चलता है। अभी हमारे पास 1, 2, 5 और 10 रुपीज के कॉइन्स मिलते हैं। लेट मी शो यू, सम ऑफ देम आर अवेलेबल विथ मी। दिस इज 1 रुपी कॉइन, यू कैन चेक इट एट योर होम ऑल्सो। देन दिस इज 2 रुपी कॉइन, आगे पीछे देखो। Then this is 5 रुपी कॉइन, ओके। एंड एक और 10 रुपी का कॉइन है जो मेरे पास नहीं है अभी, राइट। कॉइन्स कैसे होते हैं? सर्कल शेप में होते हैं। 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी और 10 रुपी, ये 4 कॉइन्स हम लोग यूज कर रहे हैं अभी हमारी करेंसी में। पहले के जमाने में क्या था, यू नो, 1 रुपी सबसे छोटा कॉइन है, 2 रुपी उससे बड़ा, 5 रुपी उससे बड़ा और 10 रुपीज उससे बड़ा। पहले के जमाने में 1 रुपी का कॉइन जो अभी सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा होता था, उससे भी छोटे छोटे कॉइन्स आते थे। दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, दिस इज नथिंग कनेक्टेड टू चैप्टर, सिर्फ आपको इन्फॉर्म कर रही हूं कि 1 रुपी से छोटा होता था पैसा, 50 पैसा, उससे भी छोटा होता था 25 पैसा, इससे छोटा होता था 10 पैसा, उससे छोटा होता था 5 पैसा, फिर 3 पैसा, देन 2 पैसा एंड 1 पैसा। ये सारे पहले के जमाने में चलते थे, अभी भी कई कई जगह 50 पैसा चलते हैं, बट नॉट दैट मच। बट ये सारे 1 रुपी से छोटे हैं। 1 रुपी से जो छोटा आता है वो रुपीज में नहीं जाता, वो पैसा में जाता है, वो आप आगे पढ़ोगे। बट फॉर दिस, दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन कि 1 रुपी से छोटा 50 पैसा, उससे छोटा 25, उससे छोटा 10, उससे छोटा 5 पैसा, उससे छोटा 3 पैसा, उससे छोटा 2 पैसा और उससे भी छोटा 1 पैसा। और 1 रुपी कैसे बनता था पता है? रुपी 1 कैसे लिखने का आपको? रुपी 1 ऐसे, जो भी रुपीज हो उसमें रुपीज की साइन आगे पीछे वो नंबर। रुपी 1 इज इक्वल्स टू 100 पैसा, पैसा ऐसे लिखने का पी। कैसे 1 रुपी कैसे बनता था? यू नो, जब 100 पैसा हो तो 1 रुपी बनता था। तो इमेजिन करो 100 पैसा, पैसा भी कॉइन ही थे छोटे छोटे, तो कितने सारे इकट्ठे होंगे तब 1 रुपी बनेगा। तो आपको अगर 5 रुपी बनाना हो तो ऐसे कितने कॉइन्स चाहिए? 500, राइट। सो दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन
दैट हाउ 1 रुपी इज फॉर्म. जब हम छोटे थे तब 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा आते थे जो मैंने खुद देखे. और ये 3 पैसा, 2 पैसा, 1 पैसा, दीज आर वेरी ओल्ड पैसा जो अभी कहीं दिखते भी नहीं है. राइट, यू कैन आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स के उनके टाइम पे कौन से पैसा चलते थे. और कई लोग, कई ग्रैंड पेरेंट्स के पास शायद ये अवेलेबल भी होंगे. सो जस्ट चेक इट आउट एंड शोट द थिंग इन एडवाइजरी टू योर रिस्पेक्टेड मैम. राइट, नाउ दिस इज ऑल अबाउट कॉइन्स की अभी कौन से थे, 1, 2, 5 एंड 10. अभी नोट्स, नोट्स कैसी होती है, रेक्टेंगल टाइप होती है. राइट, एंड कौन सी नोट्स चल रही है अभी इंडिया में, 1 रुपी की है विच इज नॉट वेरी मच अवेलेबल पर कहीं कहीं दिख जाती है, 2 रुपी की, 5 रुपी की, 10 रुपी की, देन 20 रुपीज की, 50 रुपीज, 100, 200, 500, 2000. इतनी नोट्स अभी हमारे इंडिया में चल रही है. दीज आर ऑल वर्किंग नोट्स. क्या है ये, दीज आर ऑल वर्किंग नोट्स, मतलब जो अभी करंटली हम लोग यूज कर रहे हैं वो. ओके, सो 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000. ये सारी नोट्स की फॉर्म में आती है. सो जैसे आप देख सकते हो 1, 2, 5, 10, 20, 50. And I'm writing all over here. This side I'll write so that you can see. 100, 200, 500 and सबसे बड़ी नोट अभी कौन सी है, 2000. Right? ये सारी नोट्स अभी चल रही है. अब देखो 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 and 2000. इतनी नोट्स अभी मार्केट्स में अवेलेबल है. आई विल शो यू सम नोट्स दैट आर अवेलेबल विथ मी. यस, ये आप देख रहे हो ये 10 की नोट है. दिस इज अ नोट ऑफ 10. यू कैन चेक द सेम एट योर होम ऑल्सो, सी. राइट, then I have one note of 20. See, okay, then again I have a note of 500. This is 500 note, right? See, check. Okay, so these are the notes that are available with me right now. तो आप घर पे भी ये नोट्स चेक कर सकते हो, अपने पेरेंट्स को बोल सकते हो कि जो जो नोट्स अभी हैं वो आपको दिखाएं. राइट, और नोट्स में क्या क्या लिखा होता है, गांधी जी का फोटो कहाँ होता है, कहाँ पे नंबर्स लिखे होते हैं, वो सारी चीजें आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो. राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट नोट्स एंड कॉइन्स के हमारे कंट्री में कौन से नोट्स चल रहे हैं और कौन से कॉइन्स चल रहे हैं. अब कई कई चीजें हैं, जैसे 1, ये नोट्स और कॉइन्स दोनों में आते हैं. 1 का कॉइन भी है, 1 की नोट भी आती है. फिर 2 भी ऐसा ही है, कॉइन में भी आएगा, नोट में भी आएगा. 5 का भी कॉइन आता है, 5 की भी नोट आती है. 10 का भी कॉइन आता है और 10 की भी नोट आती है. सून ही, तो कुछ ही समय के बाद 20 रुपीज का कॉइन भी आने वाला है. अभी तक आया नहीं, वो 20 का कॉइन आएगा. वी ऑल्सो हैव 20 रुपीज नोट. राइट, सो ये है नंबर जो कॉइन्स और नोट्स दोनों में अवेलेबल है. 5 रुपीज का कॉइन और 5 रुपीज की नोट दोनों मार्केट में चलती है. सिमिलरली 1 रुपी का कॉइन, 2 रुपी का कॉइन, 10 रुपी का कॉइन
और 1 रुपए की नोट, 2 रुपए की नोट और 10 रुपए की नोट, ये सब मार्केट में अभी चल रही है, विच इज अवेलेबल इन इंडियन करेंसी. ओके नाउ चिल्ड्रन, हमने ये सारी चीजें पढ़ ली. अब हम लोग टेक्स्ट बुक में इसके रिलेटेड करने वाले हैं कुछ चीज. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी फाइंड आउट द पेज नंबर. ओके पेज नंबर 125. ओके इन दैट चिल्ड्रन आप देख सकते हो, मैं अभी इसमें से रीड कर रही हूँ, आप अपने बुक में देख सकते हैं. मनी इज इन द फॉर्म ऑफ करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स. इट इज काउंटेड इन रुपीज एंड पैसा. कैसे काउंट करते हैं? रुपीज, जो मैंने आपको बोला था रुपीज में, और पहले पैसे थे, इसका मतलब पैसा. इट इज काउंटेड इन रुपीज एंड पैसा. अब कौन सी नोट्स चल रही है, आपको नोट्स के पिक्चर्स दिखेंगे इसमें. सम रुपी नोट्स वी यूज आर 5 रुपीज, इसमें 1 and 2 मेंशन नहीं किया, बट दे आर स्टिल अवेलेबल. 5 रुपीज, सी नोट ऑफ 5 रुपीज देयर. Then 10 rupees note is there, 20 rupees note is there in the book, आप देख सकते हो. 50 rupees note is there in the book and 100 rupees note भी. जो भी notes होती है उसके ऊपर उस वो number लिखा होता है, जिससे हमको पता चले कि ये note इस number की है. Suppose 20 लिखा होगा note पर तो इसका मतलब वो 20 rupees है. 50 लिखा होगा तो 50 rupees है, right? तो नोट के ऊपर लिखा होगा कि वो कितने रुपए की नोट होती है. नाउ चिल्ड्रन टर्न द पेज, नेक्स्ट पेज. उसमें लिखा है 100 rupees कैन बी रिटर्न एज रुपी 100 और रुपीज 100. पहले हम लोग रुपीज ऐसे लिखते थे दिस वे, बट नाउ वी आर राइटिंग रुपी इन दिस फॉर्म. गवर्नमेंट ने बोला अब ऐसे रुपीज लिखना है. इसमें भले ये लिखा है कि ऐसे रुपीज लिख सकते हैं, बट नो, ये एक ही फॉर्म है जिसमें हम रुपीज लिख सकते हैं. तो आपको 100 rupees लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे? रुपी 100. 50 rupees लिखना हो तो कैसे लिखोगे? रुपी 50. ओके दिस इज द वे यू राइट रुपीज. नाउ इसके बाद चिल्ड्रन एक छोटी सी एक्सरसाइज है, उसमें दिया गया है अश्विन परचेज द फॉलोइंग थिंग्स एंड पेड मनी फॉर देम. इसका मतलब अश्विन नाम का एक बॉय है, उसने कोई चीजें ली है और उसके लिए उसने मनी पे किया है, राइट? अब क्या दिया गया है हमारे पास, एक साइड में सारी थिंग्स दी गई हैं और दूसरी साइड मनी लिखा है. अब हमको क्या करना है, मैच करना है कि कौन सा मनी किसके साथ जाएगा. लेट मी डू इट ऑन द बोर्ड, इट इज वेरी वेरी इजी. मैंने बोला था नोट्स को या कॉइन्स को आप कैसे पहचानोगे, उसके ऊपर जो डिजिट लिखा है उससे. अब अश्विन ने परचेज किया है, दिस इज रुपी 1 का क्या परचेज किया है, इट्स एन इरेजर. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इरेजर. ओके उसके बाद रुपी 2 का उसने एक शार्पनर परचेज किया है. आप देख सकते हो बुक में दिया गया है रुपी 2, ये 2 rupees का है, ये वाली चीज उसने 1 rupee की परचेज की है. और लास्ट है 1 pen, एक पेन है उसने वो परचेज की है रुपी 5 की. अब ये 1 column दिया गया है, अब सेकेंड कॉलम में दिया गया है रुपी 1, ये कॉइन दिया गया है रुपी 1 का, फिर रुपी 2, 2 rupees का एक कॉइन दिया गया है और रुपी 5. अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि 1 rupee की उसने चीज ली तो उसने कौन सा कॉइन दिया, रुपी 1 का. फिर उसने 2 rupees की एक चीज ली, इरेजर लिया, तो उसने कौन सा कॉइन दिया शॉपकीपर को, 2 rupee का कॉइन. आप देख सकते हो बुक में कॉइन्स ड्रॉ किए गए हैं. और जब उसने 5 rupees की चीज ली तो वो कौन सा कॉइन देगा, 5 का के 2 का, 5 rupees का. क्यों? बिकॉज वो चीज कितने की आई है,
5 रुपीज की, राइट। तो आपको बुक में दिया गया है कि 1 रुपी किससे मैच होता है, 2 रुपी किससे मैच होता है, 5 रुपी किससे मैच होता है। नाउ चिल्ड्रन, उसके पास में ग्रीन बॉक्स है, उसमें देखो कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। मनी इज काउंटेड इन रुपीज एंड पैसा, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मनी किस में काउंट करता है, या रुपीज या पैसा या दोनों में, राइट। अब एक ब्लैंक दी गई है पिंक बॉक्स में, फर्स्ट क्या दिया गया है, 10 रुपीज की एक नोट है और एक दूसरी भी नोट है, वो भी 10 रुपीज की है। रुपीज 10 प्लस रुपीज 10 इज इक्वल टू डैश। अब आंसर हमको देना है कि 1 10 रुपी की नोट और सेकेंड 10 रुपी की नोट, 2 10 रुपीज नोट आप इकट्ठे करते हो तो आंसर क्या आएगा। हम लोग एडिशन कर सकते हैं, 10 प्लस 10, 0 प्लस 0 इज 0, 1 प्लस 1 इज 2, तो आंसर इस क्या आएगा, रुपी 20। आप क्या लिखोगे, रुपी 20। नोट लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ऐसे करोगे, 10 रुपीज प्लस 10 रुपीज विल गिव अस 20 रुपीज, राइट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला गया है, फिल इन द बॉक्स विथ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू साइन। अब 5 रुपी की एक नोट दी गई है, रुपी 5 डैश और कॉइन दिया गया है 5 रुपी का। अब आपको बताना है कि ये इक्वल है, ग्रेटर देन है कि लेस देन है। सिंपल, 5 रुपीज की नोट और 5 रुपीज का कॉइन, अगर मैं एक हाथ में 5 रुपीज की नोट पकड़ती हूँ, दूसरे हाथ में 5 रुपीज का कॉइन पकड़ती हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डज दैट मीन, दोनों सेम हुए, सो क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू। नोट और कॉइन दोनों की वैल्यू सेम है, मैंने बोला था 5 रुपीज दोनों में आते हैं, तो ये क्या हुआ, दोनों इक्वल्स टू। नाउ एक्सरसाइज 4.1, अब इसमें आपको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग। अब ये क्वेश्चन आई एम गिविंग यू एज एन होमवर्क, आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है। व्हाई, बिकॉज ये क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड कराएगा कि जो अमाउंट दिया गया है उसके साथ क्या मैचिंग होगा, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में एक पर्स दिया गया है, उसके अंदर फ्यू कॉइन्स दिए गए हैं, आपको उसका टोटल करना है एंड लिखना है कि पर्स में जो कॉइन्स दिए गए हैं उसका टोटल अमाउंट क्या है, बट डोंट फॉरगेट आगे रुपी लिखना है। सिर्फ ऐसा लिख दोगे 5, 10 या एक्स वाई जेड जो भी आंसर, तो रॉन्ग होगा, क्योंकि ये रुपीज का क्वेश्चन है, मनी का क्वेश्चन है, इसलिए आगे रुपी की साइन लगाना कंपलसरी है, राइट। सो चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक, नोट्स एंड कॉइन्स। स्किप काउंटिंग मैं आज नहीं ले रही, बिकॉज आई थिंक दिस मच इज इनफ, सो वी विल टेक दिस टॉपिक इन अवर नेक्स्ट सेशन, राइट। सो होमवर्क फॉर द डे इज एक्सरसाइज, वेरी इजी होमवर्क, 4.1 इन टेक्स्ट बुक, ओके, दिस इज योर होमवर्क, ओके। सो विद दिस चिल्ड्रन वी कम टू एन एंड ऑफ आवर सेशन एंड आई होप दैट यू विल सी नोट्स एंड कॉइन्स ऑफ डिफरेंट करेंसीज एट योर होम। सो बाय फॉर नाउ, टेक केयर।